हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके के टेपर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं सीआरपी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुक का ट्रेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि पार्ट टू वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं एक वीडियो करवाया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसे अगर नहीं देखे है, 10 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज था, और इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चंस का पूरा सीरीज होने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और मेरे चैनल पर सफाई कर्मचारी और या कुक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल है। आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और पूरा सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चंस और आंसर्स आपके होने वाले हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले। प्रीवियस वीडियो था उसमें सिर्फ हिंदी में किया था, क्योंकि सिर्फ हिंदी में टाइप कर पाया, इंग्लिश में नहीं कर पाया, उसी की वजह से मैं हिंदी में ही आपको बता दिया। उसका वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताऊँगा आपको ट्रेड क्वेश्चंस। तो अगर चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अपने जीके करंट अफेयर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल पे जरूर क्लिक करें, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन मेंबरशिप भी इनेबल हो चुका है इस चैनल पे, आप इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने का फ़ायदा ये है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, पीडीएफ, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर आप मेंबरशिप बनते हैं तो आप मेंबरशिप बनने का काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, तो आप मेंबरशिप ज़रूर बने। 89 रुपीज़ का प्लान है, 149 रुपीज़ का प्लान है, और 1599 रुपये का प्लान है, जो कि आप किसी एक को चूज़ करें आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसमें बोला है कि व्हाट टाइप ऑफ कुकिंग इज नॉन एज गिली हीट कुकिंग मेथड। किस प्रकार की खाना पकाने को गीली गर्मी खाना पकाने की विधि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए चलना यानी वॉकिंग, ऑप्शन बी ग्रिल, ऑप्शन सी झुलसा सीरेड, ऑप्शन डी है ब्रिंजिंग। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, जो कि हम लोग किस टाइप के, जैसे कि आपका जो टाइप व्हाट टाइप, मतलब किस टाइप के जो खाना होते हैं जो कि गिली हीट कुकिंग मेथड उसे बोला जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ब्रिंजिंग आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए, नहीं समझ में आया तो आप ब्रिंजिंग आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि इसका पूरा डेफिनेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह गूगल पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है कि खाद्य पदार्थ जो होता है, खाद्य संवर्धन के तरीके, खाद्य संवर्धन के तरीके, द मेथड ऑफ फूड इनरिचमेंट इज, किसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए है संयोजन यानी कंपोजिशन, ऑप्शन बी है विपणन और फ्लोटेशन फ्लोएशन, और ऑप्शन सी है अंकुरण स्पॉटिंग, और ऑप्शन डी है ऊपर के सभी यानी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा जो कि आपका द मेथड ऑफ फूड इनरिचमेंट इज़, क्या होता है खाद्य संवर्धन के तरीके क्या है वो आपको बताना है इसका मतलब। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, जो कि ऊपर के सभी यानी इसे कंपोजिशन फ्लोटेशन और स्पॉटिंग तीनों बोला जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि भोजन खराब होने के कारण होता है, फूड इज़ कॉज्ड बाय स्पॉयलेज, किस कारण से आपका भोजन खराब हो जाता है, कारण क्या होता है। तो ऑप्शन ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंजाइम, सूक्ष्म जीव और एंजाइमों, ऑप्शन बी है एंजाइम एंड एक्सेस प्रोडक्शन, एंजाइम और अतिरिक्त उत्पादन, ऑप्शन सी द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का उत्पादन, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, इसमें दो बार रिपीट कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे आपका कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जो ऑप्शन सी में कुछ गलती से डबल टाइपिंग हो गया, पर ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो एंजाइम का उत्पादन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द सेल्फी लाइफ ऑफ फूड रिलेटेड टू, भोजन से संबंधित जीवन का सिल्की क्या है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है फ्रेशनेस ऑफ फूड, भोजन की ताजगी, ऑप्शन बी है क्वालिटी ऑफ फूड, भोजन की गुणवत्ता,
ऑप्शन सी है डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, भोजन की अपघटन, और ऑप्शन डी है टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी अनटिलाइज्ड, समय सीमा जिसके लिए भोजन का उपयोग किया जा सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि समय सीमा, द टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी सिचुएटेड। तो यहाँ पे आपका जो होता है भोजन से संबंधित जीवन का सिल्की क्या है, मतलब द टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूटिलाइज, मतलब समय के अनुसार ही अगर आपका भोजन का यूज़ कर लेते हैं तो उसका वही लाइफ सेल्फ लाइफ होता है, उसके बाद अगर यूज़ करते हैं कुछ दिनों के बाद तो उसका लाइफ शेष हो जाता है, उसे हम लोग नष्ट हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं, इसलिए इसे बोला है कि सेल्फ लाइफ फूड रिलेटेड क्या है। तो यहाँ पे द टाइम लिमिट फॉर विच फूड कैन बी यूटिलाइज, तो समय की सीमा के लिए भोजन का उपयोग किया जा सके, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है कि द मेन रीज़न फॉर सिक्योरिंग फूड इज, भोजन हासिल करने का मुख्य कारण, तो ऑप्शन ए है इट्स इम्प्रूव्स कलर एंड टेस्ट, इसका रंग और स्वाद बढ़ता है, ऑप्शन बी ऑगमेंट योर सेल्फ लाइफ, अपने स्वयं झूठ बढ़ाए, ऑप्शन सी है मेक एक्सपेंसिव फूड अवेलेबल, महंगे भोजन उपलब्ध कराए, और ऑप्शन डी है चेंज इट्स टेक्सचर, इसकी बनावट बदले। तो यहाँ पे हासिल करने का मुख्य कारण क्या है, तो इसका हासिल करने का मुख्य कारण है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है, जो कि इट्स इम्प्रूव कलर एंड टेस्ट, इसका रंग और स्वाद बढ़ता है, इसीलिए हासिल का कारण। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है, इसे आप लोग थोड़ा समझ लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट वाज इन फोर्स इन विच ईयर, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम उस वर्ष में लागू हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, तो ऑप्शन ए है 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2020 और ऑप्शन डी 2017। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दो कि 2006 में आपका फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट लागू किया गया था, जो कि 2006 में किया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2019। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2011 में फूड एस्टेब्लिशमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो कि स्थापना हुआ था 2011 में हुआ था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है व्हाट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ आयरन, लोहे का सबसे कुशल स्रोत क्या है, ऑप्शन ए लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार साग सब्जी, ऑप्शन बी स्पाइसेस मसाले, ऑप्शन डी स्वीट्स मिठाई और ऑप्शन डी अल्कोहल शराब। तो यहाँ पे कौन सा जो कि होगा करेक्ट, जो कि लोहे का सबसे कुशल स्रोत है, यानी मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ आयरन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि लीफ ग्रीन्स वेजिटेबल, पत्तेदार साग सब्जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन 9 की बोला है इसमें कि वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डेफिशिएंसी शुड ईट, आयोडीन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को खाना चाहिए, जिस व्यक्ति को आयोडीन की कमी है उसे क्या खाना चाहिए वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियाँ, ऑप्शन बी है सी फूड समुद्री भोजन, ऑप्शन सी है क्लोरीन और ऑप्शन डी है आयोडाइज सॉल्ट आयोडीन नमक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सी फूड समुद्री भोजन, जो कि आयोडीन की कमी से पीड़ित व्यक्ति को खाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला है कि प्रेशर कुकिंग इज़ डन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउ मेनी डिग्री, दबाव खाना पकाने वाले पकाने कितनी डिग्री के ऊपर होता है, जैसे कोई प्रेशर कुकर है मान लीजिए और उसमें जो भी जैसे यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर को हम लोग, तो उसमें खाना पकाते वक्त तो एक्चुअली में उसे हम लोग कितने डिग्री पे जैसे खाना उसमें पकता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी 100 डिग्री, ऑप्शन सी है
200 डिग्री और ऑप्शन डी है 110 डिग्री। इसमें बोला है कि प्रेशर कुकिंग इज़ डन फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउ मेनी डिग्री, टॉप आपको बताना सबसे हाई, तो यहाँ पे सबसे हाई होता है ऑप्शन बी इज 100 डिग्री। 100 डिग्री पे आपका यहाँ पे भोजन तैयार हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन ही था, तो इस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन था, प्रीवियस वीडियो में भी 10 क्वेश्चन था, और आने वाले वीडियो में भी मैं चेष्टा करूँगा 10 क्वेश्चन को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, लाइक करने के संग संग शेयर भी कर दीजिए, शेयर करने के संग संग पैसा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।